कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2। कविता का नाम बादल राग। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर वर्ग के लिए क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। वहीं पूंजीपति वर्ग जिसे निराला शोषक वर्ग के रूप में देखते हैं उनके लिए बादल विप्लव का विध्वंस का प्रतीक है जो उनसे उनके ऊंचे ऊंचे भवनों को उनकी सुख सुविधाओं को छीनने आ रहा है। बादल राग कविता निराला जी द्वारा रचित कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ पर उसका 6ठा खंड लिया गया है। यह कविता एक ओर सामान्य बादल वर्षा हरियाली आदि को दर्शाती है तो वहीं दूसरी ओर विप्लव यानी क्रांति रूपी बादल के रूप में समाज में बदलाव का प्रतीक भी है। हम इसे दोनों संदर्भों में समझने का प्रयास करेंगे। कविता इस प्रकार है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार। इस कविता के अंश में कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। तिरती है तैरती है समीर सागर वायु रूपी समुद्र अस्थिर क्षणिक चंचल दग्ध जला हुआ विप्लव क्रांति प्लावित बहा दिया गया माया जादू रणतरी युद्ध की नाव आकांक्षाओं इच्छाओं फेरी नगाड़ा घन बादल सुप्त सोए हुए और हृदय अंकुर बीज से निकला नन्ना पौधा वर्षण बारिश मूसलाधार जोर की बारिश जोरों की बारिश हृदय थामना भयभीत होना घोर भयंकर वज्र हुंकार वज्रपात के समान भयंकर आवाज। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। पहले हम इसके सामान्य अर्थ को लेंगे। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती है अर्थात मडराती है समीर सागर हवा में वायुमंडल में समीर रूपी सागर रूपक अलंकार भी है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया आसमान वायुमंडल में जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं मडराते हैं तो वह ऐसे ही लगते हैं जैसे सुख जो क्षणिक होता है क्योंकि सुख क्या है सुख दुख का अंत ही सुख है इसलिए वह अस्थिर है। अस्थिर सुख अस्थाई है। उस क्षणिक सुख पर दुख की छाया हर समय मडराती रहती है। वैसे ही वायुमंडल में बादल मडराते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग के दग्ध हृदय पर अर्थात जग अर्थात संसार के दग्ध हृदय अर्थात जो धरती गर्मी के तपन से दग्ध यानी जली हुई सी है उसको प्लावित यानी जल से सराबोर करने वाली यह तेरी रणतरी हे बादल तुम्हारा आकार आसमान में युद्ध की नाव जैसा लगता है। रणतरी माने युद्ध की नाव। जब तुम आसमान में तैरते हो तो सारी प्रकृति तुम्हें भरी आकांक्षाओं से बड़ी आशा और आकांक्षाओं से देखती है क्योंकि तुम ही संपूर्ण संसार को नवजीवन देने वाले हो नवजीवन प्रदान करने वाले हो। यह सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ है जो क्रांति के अर्थ में है। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है और वो कहता है जब आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध की नाव में बैठकर क्रांति आ रही है। रणतरी युद्ध की नाव में बैठकर क्रांति आ रही है और वह नौका यानी नाव रणतरी जिसे उसने कहा है समीर सागर यानी वायु रूपी समुद्र अर्थात आसमान में तिरती है अर्थात ऐसे तैरती है या उमड़ती घुमड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह समाज के उच्च वर्ग अस्थिर सुख जिसके लिए कहा गया है समाज के उच्च वर्ग के अस्थिर सुख को जो अब क्रांति के बाद समाप्त होने वाला है ऐसे सुख को दुख की छाया यानी उसकी सुख छीनने आ रही है। वहीं दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ऐसा भी है
जग के दग्ध हृदय का मतलब है समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो शोषित है, वंचित है, उसके दग्ध हृदय अर्थात जिसके अंदर क्रांति की आग, क्रांति की ज्वाला लंबे समय से सुलग रही है, धधक रही है, उसके लिए वो बादल निर्दय विप्लव की प्लावित माया लेकर आ रहे हैं। निर्दय विप्लव अर्थात एक ऐसी क्रांति, ऐसा विप्लव जो अपनी क्रूरता से समाज के उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, वंचित वर्ग को उनका हक यानी जिसे उसने माया कहा है प्रदान करने आ रही है। यह तेरी रणतरी, ऐसी क्रांति की नाव रूपी बादलों का समूह समाज के निम्न वर्ग के लिए आशाओं भरी आकांक्षाओं से, आशाओं आकांक्षाओं उम्मीदों से लबालब है, भरा हुआ है। उन बादलों में जो क्रांति का जल है वह उम्मीदों का जल है। उम्मीद किसे है? समाज के शोषित वंचित वर्ग को है। उम्मीद क्या है? कि उन्हें अब पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी, यह इसका विशेष अर्थ है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, जब घन यानी बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भेरी गर्जन अर्थात युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, जिनको देखकर सुप्त अंकुर अर्थात जमीन के अंदर, जमीन में, मिट्टी में सोए हुए विभिन्न प्रकार के अंकुरित बीज सजग हो जाते हैं जमने के लिए। उर्मे पृथ्वी के अर्थात जमीन के अंदर से आशाओं, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की अर्थात अपना नया रूप पाने के लिए ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। हे विप्लव के बादल, बादलों को सिर उठा उठा कर देख रहे हैं छोटे छोटे अंकुर कि वे बरसेंगे तो हम उगकर बड़े होंगे, हम विकसित होंगे। क्रांति के अर्थ में इसका मतलब है, वहीं क्रांति के अर्थ में जब किसी क्षेत्र विशेष में क्रांति होती है घन, तो घन यानी क्रांति का आह्वान करने वाला वर्ग भेरी गर्जन क्रांति का आह्वान करता है, जिससे सुप्त अंकुर समाज का शोषित वंचित वर्ग जो आज तक उच्च वर्ग के शोषण, शोषक वर्ग के अत्याचारों से डरा सहमा रहता था, वह सजग हो जाता है यानी चौकन्ना हो जाता है, जागरूक हो जाता है। उर्मे पृथ्वी के अर्थात झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाला श्रमिक मजदूर या यों कहें कि वह मजबूर वर्ग आशाओं से वह अपने नए जीवन की, ऐसे जीवन की जिसमें उसके भी कुछ अधिकार होंगे, उसका जीवन भी सुखमय होगा, ऐसी आशा से, नवजीवन की आशा से ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल, ऊंचा कर सिर अपने सिरों को जो आज तक उच्च वर्ग के सामने हमेशा झुका रहा, उस सिर को स्वाभिमान के साथ ऊंचा कर ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल, हे क्रांति दूतों, तुम्हारी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं ताकि क्रांति होने पर उनके दिन भी अब बहुरंगे, उनके भी अच्छे दिन अब आएंगे। इस आशा से भी क्रांति के दूतों को देख रहे हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, सामान्य अर्थ इसका है कि जब आसमान में बादल बरसने लगते हैं तो फिर माने बार बार वे गरजते हैं, गरजने के बाद वर्षण है मूसलाधार, मूसलाधार बारिश, तेज बारिश होने लगती है जिसे देखकर हृदय थाम लेता संसार, पूरी पृथ्वी में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि आपदाओं से आकांक्षा से लोग डर करके हृदय थाम लेते हैं, डर जाते हैं। और सुन सुन घोर वज्र हुंकार, जब बीच बीच में गरजते बादलों में बिजली चमकती है तो वज्रपात होता है, तो उनकी हुंकार, उनके भयंकर आवाज को सुनकर लोग अनिष्ट की आशंका से डर जाते हैं। वहीं क्रांति के अर्थ में जब क्रांति होती है तो क्रांतिवीर फिर बार बार गर्जन, बार बार गर्जना करते हैं, जोर जोर से क्रांति के नारे लगाते हैं। वर्षण है मूसलाधार, जिससे क्रांति के वीरों के साथ नारे लगाते हुए घनघोर बारिश की बूंदों के समान असंख्य क्रांतिकारी सड़कों पर उतर आते हैं, जिन्हें देखकर हृदय थाम लेता संसार, समाज का उच्च वर्ग, शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग हृदय थाम लेता है, डर जाता है कि कहीं अब उनके सुख सुविधाएं छिन न जाए। सुन सुन घोर वज्रहुंकार, उनकी भयानक